Very good afternoon, everyone. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Okay, I'll just mute you all. Okay, let's wait for another 1 or 2 minutes for kids to join in if any more kids have to come. All right, in that meanwhile, you remember in the last class, we had made our emotion wheel. Hum apna emotion wheel pe work kar rahe the. We were supposed to complete it. So has anyone made it? Kisi ne apna emotion wheel banaya? Has anyone made it? Okay, is there anyone who has done that work? Aapne apne emotions ke baare mein likha, kis situation mein, how do you feel? When do you feel happy? When do you feel sad? When you're surprised? Has anyone done it? Please give me some response as yes or no so that I know where we all are. Can you all hear me? Just show me thumbs up. Okay, Mohammed Zam, yes. Okay, Yashvi, Arjun, okay. Now people who have made their emotion wheel will give me a thumbs up and who have not done it will show me a thumbs down so that I know the work is not done. Okay, Zam has not done, Yashvi has not done. Okay. Bhavnish has not done. Ankit, you have done the work. Would you like to share something about it? Please unmute. No, ma'am. No, ma'am, matlab? Aapne kaam nahi kiya, beta, ya aap share nahi karna chahte? Ma'am, I not do the work. तो फिर हमें थम्स डाउन देना था बेटा थम्स अप थोड़ा देना था इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं मैम थम्स डाउन हो ही नहीं रहा था बिकॉज़ यू हैव टू डू इट विद योर कैमरा ऑन विद योर थंब नॉट द वर्चुअल थंब ओके ऑलराइट फाइन So please complete that work. It is about your emotional health. And the objective of doing that was to understand ourselves better. कि जब हमें पता है कि हम कैसे situation में कैसा feel करते हैं, तो हम ऐसा similar situation कभी life में दोबारा आए, तो हम उसे better equipped हो जाते हैं handle करने के लिए. Okay? अब let's say मुझे पता है कि कोई मुझे tease करता है, तो मुझे गुस्सा आता है. अगर मैंने ये अपने पास लिख रखा है सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझे टीज करेगा तो मैं लड़ाई करने के बजाय आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप एज इन्फॉर्मिंग द पर्सन दैट लुक आप ऐसे बात करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता आई फील एंग्री सो डोंट टॉक और एल्स आई विल नॉट बी योर फ्रेंड तो आपने लड़ाई करने के बजाय उसको एक बेटर तरीके से हैंडल किया सो दिस इज हाउ योर इमोशन नो योर इमोशंस एंड इन विच सिचुएशन हाउ यू फील हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर एंड हेंस यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे नाउ टुडे वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर इमोशनल हेल्थ वेयरइन आई वांट टू बिगिन बाय नोइंग कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक है या नहीं अब जैसे कि अगर लेट्स से हमें फीवर होता है तो हमारी फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम आता है राइट हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है हमें बॉडी एक हो रहा होता है बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती वी फील वेरी लो इन एनर्जी वी फील लिटिल वीक कुछ खाने का मन नहीं करता तो ये सारे सिम्टम्स हैं फीवर के इसी तरीके से अगर बात करूंगी आपसे ओके उसी तरीके से अगर हमें कोल्ड एंड कफ होता है तो We experience sneezing, we experience blocked nose या runny nose या cough, right? तो ये symptoms हैं ऐसे ही अगर हमारी emotional health ठीक नहीं है तो क्या symptoms होंगे कैसे क्या आपको अपने body में changes feel होंगे जिस वजह से आप analyze कर सकते हो कि मेरी emotional health ठीक नहीं है
Anyone? Okay, Anika. Ma'am. Mama, जैसे अगर कोई हमें परेशान करता है और हमें अच्छा नहीं लगता तो हमें ऐसे पता चलेगा कि हम और अगर कोई हमारे साथ अच्छा कोई हमारे साथ अच्छा नहीं बुरा बर्ताव करेगा तो हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है बेटा? क्या सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करते हो? क्या चेंज आपको अपने बॉडी में फील होता है? मुझे को जब भी ऐसा लगता है मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आपका कुछ करने का मन नहीं करता? ओके, यस, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। चारु, मैम हमें टेस्ट नहीं आता। टेस्ट? यस मैम। किस चीज की बात कर रहे हो मुझसे? मैम फीवर के सिस्टम। मैं फीवर की बात नहीं कर रही, मैं आपकी इमोशनल हेल्थ की बात कर रही हूँ। ओके, कि जब हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं होती तो हम अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं या हम अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अनिका शेयर की कुछ करने का मन नहीं करता। सोचो अगर आप कभी किसी चीज से डर रहे हो, घबरा रहे हो तो क्या फीलिंग होती है, क्या चेंजेस होते हैं आप में, आपके बिहेवियर में? कैन एनीवन गेस? वन ऑफ इट इज करेक्ट व्हाट अनिका सेड, वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग एल्स? ओके, मोहम्मद जैम, वुड यू प्लीज अनम्यूट? Mohammed Zam, please unmute. The prompt has already been sent to you. Please check your system because I have sent it all the times and you are not doing anything about it, dear. So I think there's a problem with the system. Ananya, please unmute. Yes, ma'am. अनन्या, अगर आप कभी उदास होते हो, परेशान होते हो तो क्या सिम्टम्स होते हैं? आपका बिहेवियर में क्या चेंज आता है? आप कभी परेशान नहीं होते? होते हो ना परेशान, फिर क्या चेंज आता है आप में? हमारा चेहरा उदास हो जाता है। ओके, आप उदास हो जाते हो, आपके फेस में चेंजेस आते हैं, ड्रूपिंग डाउन हो जाता है फेस। ओके, वरदान, मैम हमारे गलती से हैंडरेल हो गया था। यशस्वी? Yes, ma'am. Yes, please answer. But ma'am? बेटा, why you are raising your hand? Wow. Okay. So people, I'll just share the screen with you to help you understand a few symptoms in a better way. All right. So, सबसे पहले हमारे में क्या changes हम observe करते हैं कि हम बहुत anxious या worried रहते हैं, हम बहुत घबराए घबराए ऐसा feel करेंगे, या anxious यानी हड़बड़ाहट, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, that's anxious, okay? और worried घबराना, आप अनहैप्पी रहोगे, खुश नहीं रहोगे, इमोशनल आउटबर्स्ट, कभी बहुत रोओगे, कभी सैड होके बैठे रहोगे, ठीक है, कभी बहुत ज्यादा रोओगे, कभी बहुत ज्यादा स्क्रीम करोगे, शाउट करोगे, येल करोगे, ठीक से नींद नहीं आएगी, खाना या तो बहुत ज्यादा खाओगे या बहुत कम खाओगे, उस वजह से वेट पे भी इफेक्ट आएगा आपके। देन आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, अकेले अकेले चुप रहने का मन करेगा,
एंड यू वोंट इवन यू विल फील एज इफ कि आपकी गलती है, कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते. ओके, सो दीज आर दी सिम्टम्स. बट अगर ये सिम्टम्स किसी एक प्रॉब्लम छोटी सी सिचुएशन में आप फील करते हो, देन दैट्स ओके, क्योंकि वो हमारे बॉडी का वे है उसे हैंडल करने का. बट जब हम कहते हैं कि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप पूरा दिन ऐसा फील कर रहे हो, यानी कि आप पूरा दिन ही उदास हो, पूरा दिन ही आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, और ऐसा बहुत दिनों तक होता रहता है. जैसे फीवर है, फीवर ऐसा तो नहीं है ना अभी आया फिर अभी चला गया, अभी आया फिर अभी चला गया, ऐसा नहीं होता ना, वो रहता है जब तक हम मेडिसिन नहीं लेते. तो ऐसे इमोशनल हेल्थ है, जो भी सिम्टम है वो रहेगा, ठीक है, और वो पूरा दिन रहेगा. अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई, लेट्स से कि आपको प्रोजेक्ट भी आज ही देना और मैम ने होमवर्क भी बहुत सारा दे दिया, वो एक छोटी सी टेंशन आई, तब आपका मन ऑफकोर्स ये करेगा बिकॉज आप टेंस्ड हो कि मैं कैसे मैनेज करूं, मैं कैसे करूं, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाओगे, वो सिचुएशन में है सिर्फ, अदरवाइज यू आर फाइन. बट अगर पूरा दिन आप ऐसा फील कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है. ओके, अब हमें ये तो समझ आया कि इमोशनल हेल्थ अगर हमारी ठीक नहीं है तो हम क्या क्या सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. अब जरूरी नहीं कि ये हमारे लिए ही हो, अगर कोई और है जिसको आप ऐसे देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि मे बी दैट पर्सन इज ऑल्सो टेंस्ड और बर्डन्ड विद समथिंग, सो दिस इज ऑल्सो फॉर हेल्प अंडरस्टैंडिंग अदर्स. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अगर मेरी मेंटल इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझ पर उसका क्या असर आएगा, वो कैसे इफेक्ट करेगी मुझे, हाउ विल इट इफेक्ट मी, एनीवन हु वुड लाइक टू गेस हाउ इमोशनल हेल्थ इज गोइंग टू अफेक्ट यू. यस अनिका, जस्ट अ सेकंड, आई विल सेंड यू अ प्रॉम्प्ट. मैम हम अच्छा फील नहीं करेंगे और हमें किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा, सिर्फ अकेले रहेंगे और परेशान भी रहेंगे हम. राइट, हमारा किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा और हम परेशान भी रहेंगे, ये बात तो फैक्ट है. तो इसका मतलब अनिका हमारी सोशल हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है, हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं. राइट, वेरी ट्रू. ओके, यशस्वी, मैम अगर हमारी तबीयत खराब रहेगी या फिर हम किसी से बात अगर हमारी तबीयत खराब रहेगी तो नहीं तो हम किसी से बात करेंगे और फिर हम बस घर में बैठे रहेंगे और बस एक ही जगह उदास बैठे रहेंगे. राइट, तो हम उदास रहेंगे और एक ही जगह रहेंगे. वेरी ट्रू. एकांश, अब दो मैम अगर हम परेशान रहेंगे उदास रहेंगे तो हमें खाने का भी मन नहीं करेगा, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा. डेफिनेटली खाने का भी मन नहीं करेगा. राइट, अगर हम उदास और परेशान रहेंगे तो कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा, कुछ करने का भी मन नहीं करेगा. तो उससे धीरे धीरे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, आप नेगेटिव होते जाओगे. राइट, आपका जो आउटलुक है लाइफ में नेगेटिव हो जाएगा ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही हमेशा ये होता है, कुछ नहीं आता मुझे करना, हमारे नेगेटिव थॉट्स होते जाते हैं ज्यादा. और जब हमारे नेगेटिव थॉट्स होंगे तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को क्या होगा, वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा? कम हो जाएगा डेफिनेटली. और अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया तो जो हमें काम आता है हम वो भी ठीक से नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा अपने पे ट्रस्ट ही नहीं रहेगा कि हम कर सकते हैं. तो हम हर चीज में स्लो होते जाएंगे धीरे धीरे. ओके, और हमारे रिलेशंस पे भी इफेक्ट आएगा क्योंकि हम किसी से बात नहीं कर रहे. अच्छा, बात नहीं कर रहे, कभी कभी अगर हमारे आउटबर्स्ट हो रहे हैं तो किसी को हमने बताया ही नहीं कि क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ. राइट, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है सोचना कि जब इमोशनल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, वो हमारे पे इतना इफेक्ट ला सकती है, तो खराब होने का रीजन क्या है, क्यों इमोशनल हेल्थ हमारी खराब हो रही है या कैसे खराब हो सकती है? कैन एनीवन थिंक ऑफ इट? मोहम्मद जैन, मैम योर वीडियो ब्लैक. माय वीडियो इज एब्सोल्युटली फाइन, प्लीज चेक योर सिस्टम वंस. मैम योर वीडियो इज ब्लैक बट वॉइस इज ऑडिबल. माय वीडियो इज नॉट ब्लैक, I can see myself on the laptop. Ma'am, your video is...
Please check your system. Anika? मैम हमारी ये ऐसे भी कर सकती है, अगर कोई हमें से बुली करेगा तो वो हमें बुरा लगेगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है. डेफिनेटली. तो इस सिचुएशन में आने का अगर बहुत ज्यादा सोचते रहे उसी चीज को तब होगा. डेफिनेटली यस. और अगर अगर कोई यू हमें कुछ भी कह देगा तो हमें उसे ज्यादा हार्ट पे नहीं रखना चाहिए. राइट. अगर हम कोई हर बात अपने हार्ट पे लेते जाएंगे डेफिनेटली कितना बर्डन हो जाएगा ना, तब भी हम बीमार पड़ेंगे. डेफिनेटली यस. और हमें बात बात पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए. राइट. और हमें बात बात पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए. ब्यूटिफुल पॉइंट्स अनिका यू हैव सेड. सो व्हिच मींस एक चीज ऑब्जर्व करो व्हाट अनिका हैज सेड, कि जब हम चीजें बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या अगर हम हर चीज का ओवर एनालिसिस कर रहे हैं देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हार्म अस. ओके. क्योंकि आप बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे, आप उससे बाहर ही अगर नहीं निकलोगे तो वो आपके माइंड पर असर करेगी. राइट. और इसके अलावा जब हम अपने आप को कभी कभी कंपेयर करते हैं दूसरों से तब भी तो ऐसे होता है ना, तब भी हम अपना कॉन्फिडेंस लूज आउट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अपने में सिर्फ नेगेटिव ढूंढते रहते हैं. सो इवन दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इमोशनल हेल्थ नॉट फाइन. और क्या रीजन हो सकता है, हम डर जाते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा आगे कैसे करेंगे, या अपने पास्ट से कंपेयर करते हैं, पहले तो मैं ऐसा था अब मैं ऐसा नहीं हूँ. तो ये सारे रीजंस जो हैं हमें प्रोपेल करते हैं हमारे इमोशनल हेल्थ को इम्बैलेंस करने में. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारी इमोशनल हेल्थ जो है वो हेल्दी रहे. क्या कर सकते हो आप फॉर योर इमोशनल हेल्थ? जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम प्रॉपर डाइट लेते हैं. राइट. हम एक्सरसाइज का कोई रूटीन फॉलो करते हैं. तो उसी तरीके से इमोशनल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? I want somebody else to think because you will be doing this activity also right now, so you have to think. Bhavnish, please unmute and answer. Bhavnish, unmute. Yes, ma'am. आप अपनी emotional health का ध्यान कैसे रखोगे बेटा? And one more thing, I just forgot to tell you, emotional health hamari tab bhi kharab hoti hai people. Bhavnish, you are not muting, you will tell me the answer after I complete. So tab bhi kharab hoti hai jab hum apne jo hamare man mein hai na wo hum agar share bhi na kare to, agar hum apni har baat apne tak hi rakhte rahe, even that can create a problem for us. So it is important for us to share out how we are feeling. Main aapse fight karne ko nahi keh rahi, main aaram se batane ko keh rahi hu कि अगर आपको कोई सिचुएशन में अच्छा नहीं लग रहा है, आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, गो एंड शेयर इट. ओके. यस भवनीश, क्विकली टेल मी व्हाट विल यू डू. आर यू अवेयर ऑफ व्हाट योर इमोशनल हेल्थ इज, हेल्थ ऑफ योर माइंड? ओके. अब आप कैसे ध्यान रखोगे अपने माइंड का? एक्सक्यूज मी मैम, किसी चीज को ज्यादा ना सोचकर और वो बात अपने ही मन में ना रखकर. राइट. यस भवनीश, वेरी ट्रू. और कुछ कर सकते हो? आपको क्या करना पसंद है? आपको कोई एक्टिविटी करनी पसंद है? मैम, आपको कलरिंग पेंटिंग कुछ करना पसंद नहीं है? ड्रॉइंग. तो आपको पता है अगर आप ड्रॉइंग भी करोगे ना उससे भी आप ऐसे रहोगे, बिकॉज आपको करना पसंद है. सो हाउ डू यू फील व्हेन यू ड्रॉ? आपको कैसा फील होता है ड्रॉइंग करने के बाद? मैम गुड. यू फील गुड, यू फील हैप्पी?
जो टेंशन है उसको क्या होता है, अगर आप लेट्स से थोड़ी सी टेंशन में हो और आप ड्राइंग करो तो क्या होगा, टेंशन को क्या होगा फिर, अगर आप ड्राइंग करोगे तो टेंशन रहेगी? नो मैम, चली जाएगी। और ऐसे जैसे अभी आपने कहा कि बात करने से टेंशन चली जाएगी या रहेगी आपके पास? वैसे भी चली जाएगी शेयर करने से। ग्रेट ग्रेट आइडिया भवनीश, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। ओके हिताक्षी। यस मैम। यस प्लीज सजेस्ट व्हाट विल यू डू। मैम अगर हम कोई क्राफ्ट करें एक्टिविटी जिससे ना हमारा ध्यान भटकेगा और हम अपने शैडोस फेस को इग्नोर मारेंगे जिससे वो दूर हो जाएगा हमसे और हम हैप्पी हो जाएंगे। राइट, आप हैप्पी हो जाओगे, वेरी ट्रू, आफ्टर डूइंग क्राफ्ट वर्क। शौर्य। मैम हमें भी हमारे हम भी बता सकते हैं कि 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 हम शांत कैसे हो सकते हैं। ओके मैम हमें एक जगह बैठ के आराम से फ्रेश माइंड से अकेले में सोचना चाहिए अच्छी अच्छी बातें, उससे उससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। डेफिनेटली यस, कभी कभी उस चीज को आराम से बैठ के दोबारा सोचने से भी आपका माइंड शांत होता है, बिकॉज आप सिचुएशन को आप दूसरे तरीके से देखते हो। दैट्स ट्रू। सो पीपल डिड यू ऑब्जर्व वन थिंग, यहाँ पर जिन्होंने जो भी तरीके बताए वो तरीकों से एक चीज बाहर आ रही है कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, हम काम हो रहे हैं, हम शांत हो रहे हैं। राइट तो कोई भी एक्टिविटी जो आप इमोशनल हेल्थ के लिए करते हो वो आपको रिलैक्स करेगी या काम करेगी, CALM काम। ओके सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो ठीक रहेगी। कभी आप टेंस्ड हो, सैड हो, उदास हो तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो कर आप हैप्पी हो जाओ, जो आपकी टेंशन को दूर कर दे। ओके दैट्स वन ऑफ द वेज टू मैनेज योर हेल्थ। अब आपने थोड़ा सा सोचना है अपने बारे में, क्योंकि हम सब अलग हैं, तो जो चीज मुझे रिलैक्स करेगी जरूरी तो नहीं ना आपको करे। For example, going for a walk or listening to birds, that relaxes me. Maybe आपके साथ वो ना हो, maybe आपके साथ वो basketball खेल कर आप होते हो, तो हम सब अलग हैं। अब आप यहाँ थोड़ा सा अपने आप को time दे रहे हो और आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आप क्या कर सकते हो वैसा ताकि आप relaxed हो, calm feel करो। ठीक है, so get a sheet for yourself and a pencil or color pen, whatever you want. I'll just share the screen for you so that you know what you have to write. Quickly go and grab your things till then. I'll count till 10 in the meanwhile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right. Are we all ready? Please show me your paper on the screen or the rough notebook so that I know you all are ready with it. Jaldi se dikhao. Anika, can we stop playing with the backdrops? Anika, I just said you something. And Mohammed Zaim as well. All right, quickly flash on screen your papers or rough notebook so that I know you're ready with it. Jaldi se, show it to me on the screen. Okay, honey, I can see. Yashwini, I can see. Ekansh, I'm still waiting. Anika, I'm still waiting. Mohammed Zam, I don't see you flashing your papers. Can you please stop this play? Shaurya, show me the paper. Ansh, I've seen it, bitta. Raghav, stop. And get the paper. Ansh, मैंने देख लिया बेटा, रफ नोटबुक आप नीचे कर लीजिए। संकेत, संस्कृति, विहान, अंकित, वरदान, क्विकली क्विकली शो द पेपर। जैनब, दर्श, ओके दर्श आई कैन सी इट। समृद्धि, अर्जुन, राइट, दिव्यांश आई कैन सी। ओके एंड अन्य, हैव सीन योर एक्टिविटी, व्हाट मेक्स मी मी।
All right. So people, the screen is there in front of you. आप सेंटर में कोई भी पिक्चर बना सकते हो. If you want, you can make a smiley or a star or anything that represents you, or you can make a circle, square, triangle, any shape. And center me, you will write what relaxes me and calms me, and you will take out the arrows and write. So for example, agar aap mujhse puchoge to I'll write here, exercising, then doing yoga, meditation, playing with my child, reading with my child, reading book myself as well, and listening to the sounds of the birds relaxes me a lot. And going out and just watching people at times also relaxes me. So, अब आप अपने बारे में सोचो कि आपको क्या चीज रिलैक्स करती है. ओके, क्विकली डू इट. यू हैव 5 minutes टू डू दिस एक्टिविटी. सो इट्स 12:52, 12:57 वी विल वाइंड अप विद दिस एक्टिविटी. सो प्लीज क्विकली डू इट. यस हनी मैम, इट्स व्हाट चैप्टर वी आर डूइंग. सॉरी मैम, हम क्या कर रहे हैं अभी? हम इमोशनल हेल्थ कर रहे हैं बेटा. ओके मैम, कि कैसे हमें माइंड को फ्रेश रखना है? हाँ, कैसे आपका जो माइंड है, आप क्या एक्टिविटीज करते हो जिससे वो रिलैक्स और फ्रेश रहता है, क्योंकि हम सबके लिए अलग अलग है ना, आप अपने लिए लिख रहे हो. ठीक है? ओके मैम. ओके ये संस्कृति. संस्कृति, यू कैन हैव एनी इमेज, यू कैन हैव एनी इमेज इन बिटवीन. गर्ल की तरह कुछ बना सकते हैं? हाँ जी. गर्ल के कुछ संस्कृति यू. यस बेटा, डोंट आस्क मी द सेम क्वेश्चन. मैंने आपको 3 times यस बोल दिया है. प्लीज चेक योर नेटवर्क. ओके एकांश, यशस्वी, यस मैम, यस मैम, Ananya, you want to ask something or is your hand raised by mistake, bete? If you want to ask, show me thumbs up so that I know you want to ask something. Ananya. Okay, Mohammed Zain. Yes, Mohammed. Ma'am, ye kya hai, hume kya karna hai? You have to write what relaxes you. क्या activity करते हैं आप relax feel करते हैं? मैम कितनी लाइनें लिखनी है? बेटे हमने lines नहीं लिखने, हमने सिर्फ activities के name लिखने, और वो आप पे depend करता है ना कि आपको कौन कौन सी activity relax करती है. How can I tell you? अगर मुझे 10 करेंगे तो थोड़ा ना आपकी 10 हो, आपकी 15 भी हो सकती है. Okay? Yeah, it depends on you. Safa, you want to ask something? Please turn on your camera. Yes, Anika. Ma'am, mujhe relax karta hai music. ओके और सोचो बेटा, और भी आएंगे एक्टिविटीज. ठीक है मैम, ड्राइंग. वेट वेट वेट, देयर इज स्टिल टाइम, लेट मी कैन आल्सो, वी विल डिस्कस. ओके, जस्ट लेट देम आल्सो डू इट फर्स्ट. यस सफा,
एक्सक्यूज मी मैम, कल बनानी है सिर्फ हमें। सफर टेल मी व्हाट इज द एक्टिविटी। बेटे हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं अभी? मैम हेल्थ की। क्या कर रहे हैं हम हेल्थ की एक्टिविटी? हाउ। ये हमें कैसे कैसे किसी प्रॉब्लम हो तो हमें अपना माइंड फ्रेश कैसे करना है। हाँ, तो हमें अपना माइंड फ्रेश कैसे करना है, तो उसमें आप सिर्फ गर्ल बनाकर क्या करोगे? उसमें तो आप लिखोगे ना कि क्या एक्टिविटी करके आपका माइंड फ्रेश होता है, राइट? तो आपने लिखना है। ओके, यस संकेत। मेरा देख लो। यू हैव डन दिस। ओके, गिव मी वन मिनट, आई विल गेट बैक। I'll stop the screen share then. Okay, Ayan has also done. Okay, Anika has done. Okay, so right people, Anika, share. I'll just send you the prompt. Ma'am, music, gardening, drawing, walking, and play with my friends and brother, sister. Okay. And share things in my relationship. Okay. Nice. Sanket. Sanket, are you there? Yes, ma'am. Ma'am, I'll show you. Please read it out. Sanket, read it out. But it's written with pencil. I can't read it. Aapko read karna padega. Intelligent, smart, tall, fit, healthy, and handsome, polite, and some. Okay, what about right now activity? ये तो आपको last class में करने को दी गई थी बेटे, ये तो पिछली class में writing work था। इस class का activity का है, और homework आपको last class में emotion wheel बनाने को दिया गया था। ये तो हमने क्लास में ही करी थी एक्टिविटी, इमोशन व्हील कंप्लीट करना था। आई एम आस्किंग अबाउट टुडेज एक्टिविटी फ्रॉम एवरीवन। प्लीज टेल मी वेयर इज इट। आपने कहाँ बनाया है? मैं अभी कर रहा हूँ। मैं द टाइम इज ओवर, व्हेन आर यू गोइंग टू डू इट? एवरी टाइम संकेत, दैट शुड नॉट बी द थिंग नो, कि हम पिछली क्लास का काम अगली क्लास में बताएंगे जब सब बच्चे अभी बता रहे हैं। आपको तभी करना चाहिए था बेटा जब टाइम मिला है आपको करने के लिए। दैट्स नॉट डन, उसी टाइम किया करो बेटा, तभी तो सबको समझ आएगा ना। अब आपने जो अभी बोला, किसी को समझ ही नहीं आया कि एक्टिविटी कैसे रिलेट हो गई अभी, क्योंकि वो तो लास्ट क्लास की एक्टिविटी थी। हनी प्लीज शेयर। मैम रीड इट आउट बेटा। Eat vegetables, do exercise, do walking,
running, not listen wrong things, helping, play, eat fruits, do any subject, read story. Okay. तो ये सब आपको रिलैक्स करते हैं? Yes, ma'am. Right. Ayan? Ma'am, playing games with my small sister, playing with brother, flying kite, cycling, watching out. Right. Sanskriti, you have done? You want to share? मैं ना लिख रही हूँ अभी. Okay, quickly do it, beta. Okay. Now in the meanwhile, people, we were doing. You remember, हमने ये theme start किया था कि हम अपनी immunity कैसे बढ़ा सकते हैं, right? So now we are ending with our theme, and as you remember, हमने last उसमें ये discuss किया था कि जब हमारा ये project finish हो जाएगा, तो हम एक pamphlet बनाएंगे. So I'm sharing the guidelines of the pamphlet with you and I'm sharing the Google link here ताकि वो guidelines आप अपने पास रख सको while you will be making your pamphlet. I'll just share the link here. Okay, so here is the link. Ma'am, can you just check once if the link opens? Because students would be needing it. Okay, and I'll just share this with you, the guidelines. Ma'am, open ho raha hai. Theek hai, ma'am. Thank you. Okay, so people, jo link maine share kiya hai, us pe yahi guidelines hai, which you can watch now. All right? So, these are guidelines for making pamphlet. To koi bhi pamphlet jo hota hai na, uska ek title page hota hai, jahan pictures...